चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक रूप ले चुका है और अब वो गुजरात के तटों की तरफ बढ़ रहा है। मिल रही खबरों के मुताबिक भारत के साथ पाकिस्तान में यह चक्रवात भारी तबाही मचा सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तान की सरकार काफी अलर्ट मोड पर है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि चक्रवात बिपरजॉय को लेकर पाकिस्तान सरकार की क्या तैयारी है, पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है ये 72 घंटे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि भारत में चक्रवात बिपरजॉय की क्या स्थिति है। गुजरात के तट से कब टकराएगा चक्रवात बिपरजॉय? माना जा रहा है कि चक्रवात बिपरजॉय आज शाम यानी कि 15 जून को रात 8 बजे के बीच कच्छ के जखाऊ में जमीन से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने इससे भारी तबाही की चेतावनी दी है। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात तट से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रह गया है। बताया जा रहा है कि शाम तक यह टकरा जाएगा। साथ ही भारी बारिश और तूफान के बढ़ने की आशंका के कारण संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले 74,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन ने कच्छ जिले में समुद्र के किनारे से सटे 10 किलोमीटर तक के करीब 120 गांवों से लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार बिपरजॉय के जखाऊ बंदरगाह के पास बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में टकराने की उम्मीद है, जिसमें अधिकतम हवा की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। गुजरात के इतिहास के सबसे भयावह चक्रवात के तौर पर दर्ज गुजरात साइक्लोन 1998 को लैंडफॉल कांडला पोर्ट पर हुआ था। तब कांडला पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा था। हालांकि जखाऊ में कांडला की तरह अब उनकी गतिविधियां नहीं है, ये खाली इलाका है। अब जान लीजिए कि पाकिस्तान में कितना खतरनाक रूप ले सकता है चक्रवात बिपरजॉय। तो वहीं इस पर महानिदेशक IMD का कहना है कि चक्रवात बिपरजॉय पाकिस्तान के आसपास जा रहे हैं। हम क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र होने के बाद भी पाकिस्तान को हर 3 घंटे में बढ़ते तूफान, बारिश, मार्ग, तीव्रता के बारे में नियमित रूप से जानकारी और सलाह दे रहे हैं। बिपरजॉय की भयावहता को देखते हुए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में निचले इलाकों से 1,00,000 लोगों को रेस्क्यू के लिए सेना को तैनात किया गया है। पाकिस्तान मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान से गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। यह कराची से अभी 410 किलोमीटर दूर है। चक्रवात बिपरजॉय एक बंगाली शब्द है, इसका अर्थ होता है आपदा। 15 जून को बिपरजॉय के कराची के साथ सिंध के तटीय क्षेत्रों से भी टकराने की संभावना है। हालांकि 17 से 18 जून तक इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये 72 घंटे अहम माने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बिपरजॉय से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। बिपरजॉय के विकराल रूप को देखते हुए सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने इमरजेंसी घोषित कर दी है और सेना और नौसेना के 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही तट्ठा, केटी, बंदर, सुजावल, बादिन, थार, पारकर और उमेरकोट जिलों के निचले क्षेत्रों से लोगों को निकाला जा रहा है। यहाँ चक्रवात बिपरजॉय का सबसे अधिक असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि लोगों को सरकारी स्कूलों, दफ्तरों और अन्य शेल्टर्स में भेजने के लिए सेना और नौसेना की मदद ली जा रही है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने कहा कि NDMA लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। केटी बंदर तटीय क्षेत्र के पास भूस्खलन होने की भी आशंका है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।